दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट जो है वो आउट हो गई है, लेकिन आप में से कई सारे दोस्तों को उसको देखने में बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि जो ऑप्शंस आए हैं वो बहुत ही अलग तरीके के कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप सही रिपोर्ट नहीं जान पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अपना नाम आप लिस्ट में कैसे देखें, इवन आपको ये कैसे पता चले कि एप्लीकेशन आपने जो भरी थी, यानी कि आवेदन जो आपने दिया था, वो आपका रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, उसके लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको पता ही है कि आपको 1,20,000 रुपये मिलते हैं जब आप पीएम आवास योजना में अप्लाई करते हैं, ग्रामीण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो किस तरह से आपको सारा लिस्ट देखने को मिलेगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं वेबसाइट पर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, और यही सेम चीज़ आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन में अपना नाम देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो कि है PMAYG.NIC.IN। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आवाज़ सॉफ्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपने जाना है और रिपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। आप चाहें तो पूरा जो आदेश आया है उसे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर है। इसमें दो तीन बातें हैं, बेसिकली हैं कि अगर आपका नाम यहाँ पर आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, साथ साथ अगर आप मजदूर हैं और अपना घर का काम आप खुद से करते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप किसी इसका यहाँ पर हेल्प लेकर भी उसे पढ़ सकते हैं, या इसे हिंदी में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। आवास सॉफ्ट पर जाने के बाद रिपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, इस पर सबसे नीचे आ जाइएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है SECC रिपोर्ट्स, इसमें सबसे चौथे नंबर पर जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि ये लिस्ट आ रही है, मैं आपको और अच्छे तरीके से लिस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा स्टेट सेलेक्ट करने का, तो यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जैसे मैं मुरादाबाद में रहता हूँ तो यहाँ पर मैंने मुरादाबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो भी ब्लॉक है या जो भी आपका गाँव लगता है वो आप दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ये वाला ब्लॉक दे दिया। इसके बाद आपको ये एक कैप्चा आएगा, एंड कैप्चा आपने भर देना है, एंड कैप्चा जो भी है माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, तो यहाँ पर हम जो भी है वो भर देंगे एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि कोई डेटा यहाँ पर फाउंड नहीं हुआ, तो आपका इसका मतलब ये है कि इस उसमें कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आपका और आप नीचे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे, मतलब सिलेक्शन जो भी होनी है आपकी वो यहीं से आपकी होनी है, एंड यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी, फादर नेम, मदर नेम सारा आने लगेगा, एंड सारा डेटा आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस डेटा को आप, जैसे ये भरतपुर टांडा का है डेटा है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर होगा, इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, तो आप यहां पर देख सकते हैं, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल में, या आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में भी आप कंट्रोल एफ करके इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये है, इस तरह से आप अपना डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अपना नाम आपका आया है, रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो आपका नाम यहाँ पर नहीं होगा, और अगर आपका एक्सेप्ट हुआ है तो आपका नाम यहाँ पर ज़रूर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अब आप अपना नाम अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के हिसाब से देख पाएंगे। अब भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।